अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आसिफ हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ आधी चपाती से एक ऐसी अच्छी मिठाई बनाने वाली हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये आधी चपाती है, मतलब इसके दो पार्ट्स किए थे। एक ये आधी चपाती है, उसको मतलब इसके दूसरे भाग को अच्छे से मिक्सर में क्रश कर लिया है। आधी चपाती चाहिए तो ये तो बताने के लिए रखती हूँ, रखी थी, अभी इसको साइड पे कर दी। आधी चपाती को मिक्सर में क्रश कर लिया है, अब इसकी एक मिठाई बनाती हूँ, आप देखना। ये एक इसमें आधी चपाती का ये चूरा डालती हूँ, क्या क्या चाहिए वो भी दिखा देती हूँ। ये 4 चम्मच पीसी हुई शक्कर है, ये 3 चम्मच मैदे का आटा है, 1 चम्मच कोको पाउडर, ये खाने का सोडा और ये बेकिंग पाउडर और ये बटर स्कॉच एसेंस है। बटर स्कॉच, वेनिला एसेंस, आप कुछ भी ले सकते हो, चॉकलेट एसेंस। तो ये बस, अभी कुछ नहीं करने का, इसमें थोड़ा दूध डाल के इसका अच्छे से बैटर बनाती हूँ। ये आपने मिठाई कभी नहीं खाई होगी, वो भी बची हुई चपाती और उसमें भी आधी चपाती से भी इतनी टेस्टी मिठाई बन सकती है। आपको पता है मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया सब आते रहते हैं। तो इसको अच्छे से, अभी आपके सामने 3 साइड चम्मच मैंने आटा ये डाला दूध, और मुझे ऐसे कमेंट में बताना कि आपको ये मिठाई कैसी लगे। अलग है, न्यू है, आपने बनाई तो नहीं, जो कि पता है वो। बस अभी इसमें दूध नहीं चाहिए, इतना बहुत हुआ दूध। अभी थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, एक इसमें से थोड़ा डेकोरेशन के लिए रखती हूँ, और ये बादाम और पिस्ता है वो भी थोड़े डेकोरेशन के लिए रखती हूँ, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करती हूँ, लम्स भी ना पड़े। जन का भी आवाज आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा कट करती हूँ। देख रहे हो, अच्छे से इसका आटा हो गया है। अभी मैंने इधर क्या किया है, ये अप्पे का वो रहता है ना मोल्ड, उसको गर्म करने को रख दिया है। इसमें आप बटर भी लगा सकते हो और घी भी लगा सकते हो, मैं घी लगाती हूँ। ऐसे आज सुबह जरा एक्सरसाइज कर रही थी तो ऐसी मिठाई याद आई, फिर मैं बोली थोड़ा ऐसा ट्राई करती हूँ क्या होता है, देखते हैं। रोज रोज चपाटी की भी सब्जी और वो चाट और वो सब बनाती हूँ, फिर चपाटी को भी लगे ना कि मेरा भी कुछ मीठा होना चाहिए, उसको भी बेचारी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अभी इधर इसमें ये डालती हूँ, आपने बनाई तो नहीं, जो कि वो तो पता है, ऐसे उल्टे सीधे आइडिया मेरे दिमाग में आते हैं। कोई सोच सकता है कि आधी चपाती से इतनी मिठाई बनती है, और वो भी अभी इसका अलग है, ये तो होगा। तो इसके ऊपर और एक चीज डालने वाली हूँ, कोई सोच नहीं सकता इतनी अच्छी मिठाई बनाती हूँ, करती हूँ वो भी चपाती से। तो ऐसे मुझे कमेंट में बताने का आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा। इसको जरा अच्छे तरह से ये सेकने देते हो, फिर उसको पलटने के लिए अच्छे से पक गए है। अभी इसकी साइड चेंज करते, एक केक ये है, बहुत सॉफ्ट हुए है, इसके लिए जरा संभाल के करना पड़ता है। और फूल भी आप देख गए हो गए। घी थोड़ा दूसरी तरफ भी लगाती हूँ जरा जरा, ऐसी मिठाई आपने यहाँ से मुझे बताना खाई होगी कि नहीं खाई होगी। अभी ऐसा इसको सर्व करने का नहीं है, एकदम अलग है कि आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। सबको पलटती हूँ और आपको बताती हूँ। मैंने अप्पे को इसमें से निकाल लिया है, आप देख सकते एकदम अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए। तो अभी इसको ऐसे खाने, ऐसे खा सकते हो खाना हो तो, पर मैं थोड़ा डिफरेंट लुक इसका करती हूँ। क्या करने का, अगर खाने के वक्त ऐसे दो ये पीस रखने का,
ये आप मेहमान को बच्चे को खिला सकते हो किसी को, ये तो पहले सच्ची बोलती हूँ पता ही नहीं चलेगा। और ये कस्टर्ड है, मैंने कस्टर्ड बनाया है, अगर कस्टर्ड की रेसिपी चाहिए तो यहाँ से मुझे कमेंट में बताना। तो मेहमान को बच्चे को किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये रोटी की मिठाई है, वो भी आधी चपाती, सच्ची बोलती हूँ किसी को पता नहीं चलेगा। इसके ऊपर ये टूटी फूटी है, ये जरा कलर के लिए मुझे अच्छा लगता है ऐसा सब लुक देना। और ये किशमिश है, कुछ भी आपको जो ड्राई फ्रूट्स डालने हो डाल सकते हो। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बनाई थी तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। और ये पिस्ता और बादाम है, तो आप बोल सकते हो कि ये रोटी की मिठाई है, झूठ मत बोलना, नहीं बोल सकते। दूसरी भी ऐसा मुझे मुझे आइडिया आते हैं फिर वो ट्राई करती हूँ, फिर वीडियो नहीं आता ट्राई नहीं आता डायरेक्ट वीडियोज बनाया है। मैं बोली बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर मम्मी बोली ट्राई मत कर, अच्छा नहीं बना तो फिर अपलोड मत करना, नहीं तो बने तो अपलोड ही कर देना, फिर अच्छा ही बनाए देखो। ये आप ट्राई करना, अभी समर भी है तो ये ठंडा ठंडा कस्टर्ड ऐसी सब मिठाई ना अच्छी लगेगी। और कमेंट भी याद से मुझे बताना कि आपके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे मेरे जैसे ख्याल आते हैं विचार, वो भी रोटी की मिठाई, कोई सोच भी नहीं सकता कि रोटी की मिठाई भी बन सकती है। मैंने कितने सब्जी और चाट ने वो सब टिक्की ने पात्रे ने क्या क्या दिमाग में आया वो रेसिपी सब ट्राई की है, पर मिठाई तो आज फर्स्ट टाइम बनाई है। आप दे सकते हो, याद से मुझे कमेंट में बताना। और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब और बेल का निशान दबाना। बेल दबाने से क्या होगा, आपको ये नोटिफिकेशन मेरा बेल का मिल रेसिपी का मिल जाएगा, नहीं तो कब मैं रेसिपी डालूंगी कब मैं नहीं डालूंगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखा आपने, ओनली आधी चपाती की मिठाई। याद से कमेंट में बताना कि ये बची हुई आधी चपाती में से मिठाई आपको ये कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, आइडिया मेरा अच्छा लगा नहीं लगा, याद से कमेंट में बताना। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।